नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विस्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे पौड़ी की। पौड़ी में पत्रकार आशुतोष नेगी को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि आशुतोष नेगी को जमानत मिल गई है। तो पत्रकार आशुतोष नेगी को दो मामलों में अब जमानत मिल गई है। बता दें कि जिला सत्र न्यायाधीश आशीष नेथानी की अदालत में आशुतोष नेगी को SC ST एक्ट मामले में मुख्यालय पौड़ी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद याकूब की अदालत ने सरकारी काम में बाधा डालने के मुकदमे में उन्हें जमानत दे दी है। जमानत पर यह आशुतोष भंडारी का जोरदार स्वागत किया गया। आशुतोष नेगी ने कहा कि जब तक अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक वो संघर्ष जारी रखेंगे। देखिए, SC ST एक्ट जो है उसमें तो था ही मुकदमा, और पुलिस ने एक फर्जी मुकदमा भी कर दिया था उसके बाद कि मैंने वर्दी फाड़ी है और सरकारी काम में बाधा डाली है। देखिए, दोनों मामले फर्जी थे, ये सारी जनता जानती थी, और समाज का पूरा सपोर्ट मुझे मिला, और मैं पूरी जो न्यायपालिका है उसका धन्यवाद करता हूँ कि जितने भी फैक्ट्स थे, कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति सामाजिक लड़ाई लड़ रहा है, इसे फंसाया जा रहा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ न्यायपालिका का कि जो हमारा विश्वास न्यायपालिका पर है वो कायम रहा, और उम्मीद है कि जो आगे अंकिता भंडारी की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें भी हमें न्याय मिलेगा। उस रात मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन हमें क्या हमारे पूरे उत्तराखंड भाई और बहनों को बहुत बुरा लगा कि जिस तरह से उन्होंने मेरे भाई को खदेड़ खदेड़ के ले गए। इसमें मेरे भाई की जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन मेरे उत्तराखंड भाई और बहनों की वजह से आज मेरे आशुतोष भाई मेरे साथ हैं। मैं उन सभी का तह दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किन शब्दों में अपने भाई और बहनों का धन्यवाद करूँ कि आज उनके संघर्ष के कारण मेरा भाई हमारे साथ है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह तुमने मेरे भाई को जेल से बचाया है और वो मेरे साथ है, इसी तरह आप मेरी बेटी को भी जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, आप मेरे साथ इसी तरह रहना बहनों, तभी मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। देखिए, आशुतोष भाई निर्दोष थे और आज ये मानना भी पड़ा है, कोर्ट से जमानत मिली है, पर हम अभी भी दुखी हैं। वो जो फोटो आशुतोष भाई का वायरल किया गया जिसमें घुटनों पर बिठाया गया, उससे मैं बोलना चाहूंगा कि पुलिस को माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड पुलिस को। जो आशुतोष नेगी के खिलाफ SC ST का मुकदमा था उस पर पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई थी, उसको गिरफ्तार किया, और जब उसको गिरफ्तार किया तो उसकी अरेस्टिंग के दौरान ही पुलिस ने जल्दीबाजी में एक ऐसा मुकदमा पंजीकृत किया कि उसने पुलिस के साथ सरकारी कार्य में बाधा डाली है, लेकिन पुलिस ने उच्च अधिकारियों के दबाव में या बहुत जल्दीबाजी में ऐसा मुकदमा पंजीकृत किया जो प्रथम दृष्टया ही डाउटफुल था। और आज माननीय न्यायालय जब मामले की गहन छानबीन की तो पाया कि वास्तव में पुलिस ने कोई भी जो विधिक प्राविधान है CRPC के अंदर उनका कोई पालन नहीं किया है, और एक मुकदमा फेसी फर्जी है। देखिए, तो लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में BJP ने 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें एक बार फिर से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिला है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर BJP ने उत्तराखंड में सभी उम्मीदवारों की घोषणा की है। बची हुई 2 सीटों पर अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं अभी BJP का फोकस सरकारी योजनाओं के 30 लाख लाभार्थियों को के वोट पर है, जो BJP राज्य में लाभार्थी सम्मान अभियान लगातार चला रही है। तो उत्तराखंड BJP के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह भिस्ट ने इस मामले में कहा है कि लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी लाभार्थियों ने BJP पर भरोसा जताया है। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में अंतर से जीतने वाले हैं, ये हमने वादा किया है और जनता ने भी हमसे वादा किया है। जो हमारी केंद्र की योजनाएं राज्य में चल रही हैं और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो जन कल्याण लोक कल्याण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, महिला उत्थान और प्रगति उनके संरक्षण और समर्थन के काम चलाए जा रहे हैं, उससे प्रदेश में एक माहौल बना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और हम 11,647 बूथों पर मजबूत और सशक्त हैं। हमारे हर जगह बूथ कमेटियां हैं, हमारे पन्ना प्रमुख की कमेटियां हैं, हमारी लाभार्थी संपर्क अभियान हमारा चल रहा है, हमारे जो शक्ति केंद्र हैं, हमारे जो मंडल हैं, जिला है, प्रदेश है, सभी नेता और कार्यकर्ता सक्रिय हैं,
और हम तो निरंतर चुनाव की तैयारियों में लगे ही रहते हैं। हमारा काम क्या है कि जनता की सेवा करना, जनता तक केंद्र की जो योजना है उसको पहुंचाना और राज्य की जो कल्याणकारी जनकल्याणी लोक कल्याणी कार्यक्रम है उनको पहुंचाना। मुख्यमंत्री जी लगातार रोड शो कर रहे हैं, महिला उत्थान और प्रगति का नारी सम्मान कार्यक्रम चला रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार निरंतर कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए हमें भरोसा है कि हम 5 सीटों पर जीतने वाले प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में अंतर से। तो लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इस बीच बीजेपी नेता ने कांग्रेस नेता को नसीहत दी है। तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। टिहरी से कांग्रेस ने जोत सिंह गुंसौल को टिकट दिया है, जिस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिस उम्र के व्यक्ति को आराम करना चाहिए उस व्यक्ति को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने जोत सिंह गुंसौल के स्वास्थ्य और उम्र का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें आराम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने जोत सिंह गुंसौल को चुनाव ना लड़कर बीजेपी में शामिल होने की भी नसीहत दी है। अबे मुझे तो बड़ा कष्ट होता है कि कांग्रेस को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, जिस व्यक्ति को आराम करना चाहिए था उस बेचारे को उस वक्त उचित तरीका वगैरह कहना उचित नहीं रहेगा। मतलब जो अनविलिंग हो, जो अनिच्छुक हो, चुनाव लड़ने से मना कर रहा हो जो उसको कहना तो जा, क्योंकि आज जहां देश में कांग्रेस खत्म हो रही है उत्तराखंड के अंदर तो पूरी समाप्ति की ओर है। कांग्रेस के एक के बाद एक जनाधार वाले नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने कई दिन पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पा रही थी। और कल टिहरी लोकसभा से मेरे बहुत ही आदरणीय है, उनके आशीर्वाद से मैं लगातार 3 बार विधायक बना हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है, उन बुजुर्ग आदमी को खड़ा कर दिया है। देखिए, मैं गणेश जोशी से कहना चाहता हूँ, मंत्री है, पहले तो जो है उनको मैं समझता हूँ कि किस तरीके से कोई बात कही जाती है उसका सलीका आना चाहिए, लगता है सलीका उनके पास है नहीं। उन्होंने कहा भाई अपनी स्थिति भी तो देखो, आपकी स्थिति क्या है, और आज बहुत सारे प्रश्न जो है उन पर उठ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए आप। जोत सिंह गुंसौला पे कोई प्रश्न नहीं उठा है, प्रश्न उठा तो गणेश जोशी पर उठा है, उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। अरे वो स्वस्थ हैं, अच्छी तरीके से चल फिर सकते हैं, और मैं कह सकता हूँ कि जोत सिंह गुंसौला और गणेश जोशी में अगर किसी दिन कहीं पर कोई प्रतियोगिता हो जाए कि भाई कौन तेज चल सकता है, तो मुझे लगता है गणेश जोशी तो 100 मीटर पर भी हम जाएंगे और जोत सिंह गुंसौला। तो ब्रिटेन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अल्मोड़ा से अजय भट्ट को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद अजय भट्ट का बयान सामने आया है। तो बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से उम्मीदवार बनाया है, जिनका गृह क्षेत्र अल्मोड़ा पहुंचने पर उन जोरदार स्वागत किया गया। टिकट मिलने पर अजय भट्ट ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उन पर जो भरोसा दिखाया गया है उस पर वो खरे उतरेंगे। इस दौरान उन्होंने लोगों को सरकार के कामों के बारे में जानकारियां भी दी। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और अपने प्रदेश के नेतृत्व का आभारी हूँ, माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, अमित शाह जी और पूरी कैबिनेट, यानी कि जो टिकट वितरण की समिति होती है, उन्होंने हमारे प्रदेश के रिकमेंडेशन को माना है, या यूँ कहिए कि पुनः मुझे सेवा करने का अवसर अपने साथ दिया है। और मुझे तो ये भी पता नहीं था, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने नेतृत्व को, जिस अपेक्षा के साथ मुझे पुनः सेवा करने का अवसर दिया है, और भारत की सर्वोच्च जो सदन है, इससे ऊपर, संसद से ऊपर तो कुछ है ही नहीं लोकतंत्र में, वहाँ जाने का अवसर दिया है। प्रभु की कृपा रही तो मैं हर हालत में एक सेवक बन के जैसे आज तक रहा हूँ, उसी तरह से जनता के जो कार्य हैं उनको लगातार और लगातार अपनी सेवा से। तो ब्रिटेन में बात को लेते हैं भूमिताल की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और भूमिताल में बीजेपी ने कार्यालय का शुभारंभ किया है।
तो पांचों उम्मीदवार के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी चुनावी मोड़ में आ चुकी है। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर से उम्मीदवार केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने भीमताल में अपने कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा और बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। अजय भट्ट ने इस दौरान कहा कि विकास कार्यों के नाम पर वो जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं उन्हें अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर वोट जरूर डालना चाहिए। देखिए लगभग 1.5 करोड़ के जो कार्य केंद्र सरकार ने दिए हैं वो इस समय चल रहे हैं उत्तराखंड में, जिसमें भीमताल विधानसभा के अंतर्गत भी बहुत जबरदस्त काम इस समय चल रहे हैं। अगर मैं भीमताल की ही बात करूं तो नगर पंचायत हमने बनाई और यहीं की बात करें केंद्रीय विद्यालय हमारा बन रहा है। ये जो सड़कें हैं जो ऊपर वाली हैं डायल से वाली आपने देखा, इसके लिए अलग से पैसा आया है। सब जगह आप देख, हर जगह विकास की नदियां बह रही हैं। अगर बहिष्कार करता हूं तो हमको लोकतंत्र प्रदत्त अधिकार है, इतना बड़ा है, मत दीजिए वोट हमें, किसी और को दे दीजिए, लेकिन दिए तो सही किसी को तो दो, लोकतंत्र तो तभी जिंदा रहेगा, तो इसलिए बहिष्कार करने से नहीं होता। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं विकास नगर की, जहां से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार बॉबी पवार हैं और उन्होंने कड़ी ताकत चुनाव को लेकर झोंक दी है। तो जौनाधार बाबर के रहने वाले बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बॉबी पवार टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं और उनका समर्थन रवाई घाटी, जौनपुर, नौगांव, बड़कौट और जौनासार बाबर समेत कई इलाकों के लोग कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बॉबी पवार चुनाव में किस पार्टी का खेल बिगाड़ते हैं। हमारा सभी जनप्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, जो भी विभिन्न पदों पर बैठे हुए हैं और हमारी माताएं, बहनें और विशेषकर जो बेरोजगार संगठन से जुड़े हुए हैं, जो बेरोजगार है, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनसे विशेष निवेदन है कि बॉबी पवार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको हमने परखना है या चेक करना है। वो तो चेक करा हुआ है, उसने कैसी लड़ाई बेरोजगारों के लिए लड़ी है कि सरकार को भी झुकना पड़ा उनके सामने। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं टिहरी जनपद से, उत्तरकाशी जनपद से, देहरादून जनपद से, पूरी टिहरी संसदीय क्षेत्र से मैं ये विनती करूंगा कि आप सब पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके आप इस युवा को चुनिए ताकि टिहरी का इतिहास बदल सके और संसद में इतने छोटे युवा जा करके हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। और जैसे अभी सड़कों पर आवाज उठा रहे थे तो ऐसी आवाज संसद में उठेगी तो जरूर हमारे क्षेत्र। तो ब्रिटेन बाद देहरादून की कर लेते हैं, जहां अलायंस एयर की हवाई सेवा शुरू की गई है। तो दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए एयरलाइंस एयर की हवाई सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है। सीएम धामी ने देहरादून में हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दो लोग लंबे वक्त से इस हवाई सेवा की मांग कर रहे थे जिसे अब पूरा कर दिया गया है। विमान सेवा शुरू होने से पिथौरागढ़ में एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि सीमांत जिले देश की राजधानी से सीधे जुड़ जाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ से दिल्ली जाने में 12 से 15 घंटे का वक्त लगता है। अब हवाई सेवा के शुरू होने से लोगों को सहूलियत मिलेगी और उनके समय की भी बचत होगी। तो ब्रिटेन में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां हल्द्वानी में हुई हिंसा के मामले में पुलिस प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। इस मामले में बनभूलपुरा पहुंची वृंदा करात ने सभी लोगों से बातचीत की है। तो पूर्व सांसद और CPIM नेता वृंदा करात हल्द्वानी पहुंची। उन्होंने बनभूलपुरा के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थानीय लोगों से बात की। इस दौरान वृंदा करात ने हिंसा के लिए प्रशासनिक गलती को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस हिंसा को रोका जा सकता था, लेकिन इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है, जो कि एक गलत बात है। उन्होंने पुलिस से गिरफ्तारी की गई महिलाओं को छोड़ने की भी मांग की। इस दौरान वृद्धा करात ने कहा कि दंगे वाले दिन बनभूलपुरा में रहने वाले फहीम को मारा गया, जिसका वीडियो फुटेज भी सामने आया है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले का
संज्ञान ही नहीं लिया है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। नहीं, ये बहुत ही खेद की बात है कि पत्रकार भी, और एक पत्रकार ने मुझे बताया कि उनका पूरा कैमरा, जो बहुत कीमती कैमरा था, वो भी पूरा तोड़ दिया था। और ये भी उन्होंने बताया कि कई जगह ऐसे घेरे में आ गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ के लोकल लोगों ने, जो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने उनको बचाकर मस्जिद में उनका संरक्षण करके। तो देहरादून से गुंडागर्दी का मामला सामने आया था, जिस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्लेमेंट टाउन में गुंडागर्दी करने वालों के मामले में पुलिस ने 4 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल क्लेमेंट टाउन थाना इलाके में आपसी विवाद के चक्कर में लोडर चालक और पर तलवार से हमला कर दिया गया था। इतना ही नहीं, जब स्थानीय लोग इकट्ठा हुए तो आरोपियों ने फायरिंग भी कर दी थी। पुलिस ने मामले में 4 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से तलवार, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीसी स्टार न्यूज़।